हेलो स्टूडेंट, सर्वोदय नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को कवर करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 4 जो है वो समझिएगा, बोल रहा है कि राइट द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। राइट द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है -3 and 2, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो समझेगा, इन दोनों के बीच में क्या क्या हो सकता है वो समझिए। अगर यहाँ देखते हैं, अगर नंबर लाइन आपको देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर लाइन यहाँ 16 का बना देता हूँ, ये 0 है ना। इस तरफ मान लेते हैं -3 और यहाँ मान लेते हैं 2, ठीक है, या मान लेते हैं 2। तो यहाँ से क्या होगा, -2 आएगा। यहाँ देखिए, जो आएगा वो देखिए, इसके बीच में क्या क्या आएगा, 2, -2, -1, 0 और 1, ये मैं लिखा हुआ आंसर, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, -2, -1, 0 और 1। उसी प्रकार मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, -8 and 10 है, कितना है, -8 and 10। अगर इन दोनों के बीच में बात करूँ स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इसे ही घटा दीजिए, कितना आएगा, -7, -6, -5, -4, -3 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये सारे के सारे इसमें आएंगे स्टूडेंट्स, ओके। अगर हम बात करें -9 और -3 की, क्वेश्चन नंबर 3 में जो मारा है -9 and -3, -9 और -3 में कौन कौन से नंबर आएंगे वो समझते हैं। यहाँ देखिएगा, इसे घटाना है मेरे को, क्या क्या, -8, -7, -6, -5, -4, तो ये सारे नंबर हमको मिलेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये सारे क्वेश्चंस को। अब देखिए, एक क्वेश्चन और जो हमारा लास्ट बचा हुआ है वो समझ लेते हैं। इसमें क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4 में -28 and -19, इससे हम क्या करेंगे, इसे ही घटा देंगे, तो कितना होगा, -27, -26, -25, -24, -23, -22, -21, यहाँ पे क्या होगा, 20। तो इस तरीके से आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो जो इन सारी संख्याओं के बीच में है मैंने इसको राइट डाउन कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द 5 इंटीजर ग्रेटर देन -18। -18 से 5 इंटीजर नीचे जो उसे बड़ा है कुछ भी लिख सकते हैं, बट अगर आप देखा जाए तो यहाँ देख सकते हैं 5 का जो आंसर होगा सॉल्यूशन, अगर आपके पास 18 रुपी 18 कर्ज में आप क्या है लॉस में है, ठीक है, और कोई जो है 15 रुपी लॉस में है, तो आप फायदे में हैं या वो बंदा जो रुपी 15 है फायदे में है। तो देखिए, -3 अगर और बात करें -3 और -2 में अगर पूछे आपसे कि बड़ा कौन है स्टूडेंट्स, तो बड़ा हमेशा क्या होगा, -2, ठीक है ना। जो छोटा वैल्यू होगा माइनस में वही आपका बड़ा होगा, ठीक है, जो छोटा वैल्यू होगा वही आपका बड़ा संख्या होगा। अगर मैं बात करूँ इसमें -18 से बड़ा क्या होगा, -17 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, -14, -13, चाहे आप कितने भी लिख सकते हैं, हमसे कितना पूछा, 5 लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूजिंग नंबर लाइन अरेंज द फ्लोइंग इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज करना है आपको नंबर लाइन, और जो भी इंटीजर्स आपको दिया गया है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो आई थिंक मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे वो कितना दिया है, -7, -5, 3, 0 and 10। तो अगर बात करें फ्रेंड्स, इसको यहाँ लिखते हैं
ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो माइनस सेवन क्या हो गया, माइनस सेवन भैया लिखेंगे माइनस सेवन, फिर क्या होगा माइनस फाइव, तो माइनस फाइव कैसे आएगा इसके बीच में होगा क्या होगा सिक्स होगा, फिर माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं फिर यहाँ बात करते हैं वन टू थ्री, थ्री आ गया, फिर मेरे पास कितना है एजेंट टेन, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन पर कितना है टेन। तो इस तरीके से हम इसको नोट्स करेंगे, ठीक है, जो भी दिया हुआ है सभी को यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर नोट नहीं करेंगे, जैसे कि थ्री वन था तो वन यहाँ पर नोट नहीं करेंगे, सिर्फ इसका क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे, क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो जो यहाँ दिया हुआ है उसी को हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ फाइव नंबर्स दिया हुआ था तो मैंने यहाँ क्या किया फाइव नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू क्या वो समझते हैं, माइनस एट, माइनस ट्वेल्व, फाइव, फोर एंड थ्री, माइनस थ्री, इसमें क्या होगा स्टूडेंट वो समझते हैं, जीरो हो गया। अगर बात करें यहाँ देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है, ट्वेल्व तक था। अब इस तरह देखते हैं इस तरह कहाँ तक था फोर फाइव तक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बढ़ा देते कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ देखते हैं स्टूडेंट मेरा सबसे पहले क्या है माइनस ट्वेल्व, तो ये यहाँ पे क्या होगा माइनस ट्वेल्व, इलेवन हो जाएगा, टेन हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, एट, माइनस एट, फिर यहाँ देखते हैं फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, ये कितना हो गया फाइव, ये कितना हो गया फोर, और भी एक क्या नहीं, और हमारे पास माइनस थ्री है तो माइनस थ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अगर इसको हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा जाए तो ये जो होगा मेरे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है मतलब क्या, पहले होगा माइनस ट्वेल्व, ठीक है, उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा माइनस एट, इससे बड़ा कौन होगा माइनस थ्री, फिर इससे बड़ा कितना होगा जीरो, जीरो से बड़ा फोर, फोर से बड़ा क्या फाइव। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको क्या करेंगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।